सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एबीपी ड्राइव का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, जिसमें हम समझने वाले हैं किस तरह इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह इसमें पुश बटन लगाकर इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, यदि हमें इसे रिले के द्वारा स्टार्ट करना है तो रिले लगाकर किस तरह इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, और यदि हमें किसी भी मोटर की डायरेक्शन को इस वीएफबी से चेंज करना हो, दैट मीन्स फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करवाना हो, तो किस तरह इसमें सिलेक्टर स्विच लगाकर हम मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो सभी तरह की वायरिंग को आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली इसमें सभी तरह की प्रोग्रामिंग की गई होती है, जस्ट हमें जाकर उसमें एक पैरामीटर सेट करना होता है। तो वह कौन सा पैरामीटर है जहाँ पर इसकी प्रोग्रामिंग चेंज होती है, तो वह भी आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले और कनेक्शन को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए पहला हम एक एबीपी ड्राइव को देख लेते हैं, उसे किस तरह ओपन किया जाता है और किस तरह उसके टर्मिनल में कनेक्शन होता है पहले यह समझ लेते हैं, फिर इसके कनेक्शन को प्रैक्टिकली हम मैनुअल में समझने वाले हैं। चलिए पहले उस एबीपी ड्राइव को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एबीबी की ड्राइव है जिसे हम रिले के द्वारा ऑन ऑफ कर रहे हैं टू वायर सिस्टम में। तो जस्ट इसमें हम इसके टर्मिनल्स देख लेते हैं, इसके बाद इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग करना होगी, किस तरह कंट्रोलिंग की जाती है, इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं, सब कुछ हम इसके मैनुअल में समझने वाले हैं। जस्ट यहाँ पर हम इसके टर्मिनल्स देख लेते हैं, तो इसके कवर को पहले हम इस नट को ओपन करके इस कवर को ओपन कर लेते हैं और जस्ट टर्मिनल्स देख लेते हैं, फिर हर टर्मिनल्स का फंक्शन को हम ड्रॉइंग में समझेंगे। ऊपर जो कंट्रोलिंग दी गई है वो पोटेंशियोमीटर के लिए दी गई है, दैट मीन्स ऊपर जो वायरिंग की गई है यह वाली जो वायरिंग है ये पोटेंशियोमीटर के लिए है और ये दो वायर हमने रिले के द्वारा शॉर्ट किए है। तो ये तो जस्ट हमने देखने के लिए देखा था। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन से तरह की वायरिंग के लिए कौन सा टर्मिनल कौन सा पैरामीटर हमें सेट करना होता है और हर टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है हम मैनुअल में समझ लेते हैं। चलिए अब हम मैनुअल में समझ लेते हैं क्या टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है। ये हमारे पास एक एबीपी ड्राइव का मैनुअल है, पहले हम ये समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं, इसके बाद कनेक्शन को हम स्टार्ट करने वाले है। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें देखा जाए पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन, तो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन के लिए 2, 3 और 4 नंबर का टर्मिनल हमें यूज करना है। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर को रन करने के लिए उसमें हमें 0 और 10 वोल्ट सप्लाई देना होती है और जितना हम उसके जो वेरी करते हैं इसकी स्पीड को उतना वोल्ट हमें मिलता है। तो बेसिकली इसमें हमें 0 और 10 वोल्ट सप्लाई देना होती है और उसका आउटपुट हमें मिलता है। तो ये क्या करना होता है, पोटेंशियल जो ड्राइव होती है 3 नंबर और 4 नंबर एनालॉग इनपुट सर्किट कॉमन और रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट DC, दैट मीन्स 3 नंबर से ड्राइव से 0 वोल्ट निकलता है, 4 नंबर से जो निकलता है वह 10 वोल्ट निकलता है। तो हमें 3 और 4 में पोटेंशियोमीटर की कॉइल को कनेक्ट करना है और पोटेंशियोमीटर का जो रेफरेंस रहेगा जो इसका आउटपुट होगा उसे हमें 2 नंबर में कनेक्ट करना होता है। पहले आप पोटेंशियोमीटर में चेक कर ले कहाँ पे इसका क्या टर्मिनल्स दिया गया है। इसके ऊपर वैसे उसकी ड्राइंग दी गई होती है, ये जो पोटेंशियोमीटर है उसका ये रेफरेंस है, इसे हमें कनेक्ट करना है 2 नंबर में, यह 0 वोल्ट है इसे 3 नंबर में और ये 10 वोल्ट है इसे 4 नंबर में कनेक्ट करना है। आप पोटेंशियोमीटर में चेक कर ले कहाँ पे क्या टर्मिनल दिया गया है। इसके अलावा यदि हम डिजिटल इनपुट की वायरिंग इसके सोर्स मोड में पीएनपी मोड में करते हैं तो क्या करना होता है, जो 10 नंबर का जो पॉइंट होता है जो कि होता है 24 वोल्ट डीसी का होता है ऑक्सिलरी वोल्टेज, तो क्या होता है यहाँ से 24 वोल्ट वीएफडी से निकलता है। तो यदि हम इसमें जिस तरह की कंट्रोलिंग करना होती है उस तरह की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, किस तरह होगी वो भी हम देखेंगे, 2 वायर सिस्टम की किस तरह होगी, 3 वायर सिस्टम की किस तरह होगी वो अभी देखने वाले हैं। तो डिजिटल इनपुट के लिए हमें इन टर्मिनल्स को यूज करना होता है 10 to 18 टर्मिनल्स। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो 3 रिले दिए गए होते हैं, यदि आप रेडी के इंडिकेशन के लिए कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो 19, 20, 21 पे एक रिले दिया गया है, इसके अलावा 22, 23, 24 पे रनिंग के लिए आपको इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, दैट मीन्स आपके वीएफडी जब रनिंग हो तो इंडिकेशन मिले तो इसके लिए आप यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, यदि आपके वीएफडी में कोई फॉल्ट आ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे एक रिले दिया गया है जिसे कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें डिजिटल इनपुट की वायरिंग समझ लेते हैं, पोटेंशियोमीटर की वायरिंग भी समझ लेते हैं। उससे पहले हमें किस तरह कौन सा टर्मिनल कितने तरह की प्रोग्रामिंग होती है यह समझते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग समझते हैं। तो चलिए पहले हम 2 वायर सिस्टम में किस तरह इसकी वायरिंग की जाएगी यह समझ लेते हैं। जो 2 वायर सिस्टम होता है उसके वायरिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहले तो उसमें रिले लगाकर उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा हमने जो वीएफडी थी
उसे हमने रिले लगाकर ही इसे ऑन ऑफ किया था। या तो आप इसे रिले के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं या सिंगल वे सिलेक्टर स्विच से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम दोनों को ड्राइंग में आपको दिखा देते हैं किस तरह इसके वायरिंग की जाती है टू वायर सिस्टम में, और इसके लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा वह भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, 2, 3 और 4 नंबर में हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना होता है। तो ये जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, ये इस पोटेंशियोमीटर का आउटपुट है। इसे 2 नंबर में कनेक्ट कर देंगे हम। ये जो येलो वाला है इसे 3 नंबर में, ये 0 वोल्ट होता है, और रेड वाले को 4 नंबर में। सभी केसेस में ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन 2, 3, 4 में ही इसी तरह से होने वाला है। चलिए, टू वायर सिस्टम में पहले हमने क्या समझा था, पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। अब हम समझते हैं, यदि इसे सोर्स मोड में करते हैं तो 24 वोल्ट DC का जो वायर होता है, यहां से हमारा एक वायर जाएगा। यदि हम इसे रिले के द्वारा ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, जस्ट रिले के द्वारा हम ड्यूअल स्टार्टर या तो 24 वोल्ट का बनाए या तो 20 का बनाए। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है। आप ड्यूअल स्टार्टर पहले ही बनाकर कंप्लीट कर ले, और ड्यूअल स्टार्टर में जो रिले का एनो पॉइंट होता है, दैट मीन जैसे आप पुश बटन से इसे ऑन करें तो आपका रिले ऑपरेट होगा। रिले के ऑपरेट होते ही क्या करेंगे हम, जो 24 वोल्ट और इसका जो DL1, दैट मीन जो इसका डिजिटल इनपुट फर्स्ट पॉइंट है, जहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट टू स्टार्ट, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, रिले के एनो से इसमें शॉर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे जो डिजिटल जो होगी इसकी टू वायर सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग हो जाएगी। इसके अलावा 11 नंबर और 12 नंबर इसे हम परमानेंट कॉमन रखेंगे। GND और डी कॉमन को हमें परमानेंट शॉर्ट करके रखना है। चलिए, रिले के द्वारा किस तरह होगी जस्ट हम ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं, उसके बाद सिलेक्टर स्विच से किस तरह होगी वह भी समझने वाले हैं। चलिए, यदि हम रिले के द्वारा करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं यह समझ लेते हैं। यह हमारे पास एक 8 पिन का रिले है, इसे हम 220 से ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, फेज और न्यूट्रल जस्ट हमारे पास, इसके ऊपर पहले भी हमने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वह देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रिले से जस्ट ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा NC पुश बटन में जाएगा, जो कि यह वाला है, और एक फिर जाएगा हमारा स्टार्ट पुश बटन में, दैट मीन्स यहां से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसे एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो इसके 2 नंबर और 7 नंबर कॉइल होती है, तो 2 और 7 में कहीं भी दे सकते हैं। तो 2 नंबर में हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम एनो पुश बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगी। इसके अलावा जो 7 नंबर होता है वहां पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स क्या होगा, जैसे हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा रिले ऑपरेट होगा, बट ये ऑपरेट उतनी ही देर के लिए होगा जितनी देर हम इसे प्रेस करेंगे। अब हमें इसमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करना होता है, तो होल्ड डाउन के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कोई भी कॉमन पॉइंट को यूज कर लेंगे। कॉमन पॉइंट को यूज करने के लिए अब हमें इसे होल्ड डाउन देना होता है। तो यहां से जो एनो, हम होल्ड डाउन यहां से कहीं से भी दे सकते हैं। तो इसका जो 3 नंबर है ये एनो पॉइंट है एक के साथ, और 4 नंबर NC पॉइंट है। तो हमें एनो पॉइंट में हमेशा एयर होल्ड डाउन देते हैं, तो हम 3 नंबर पॉइंट को यूज कर लेंगे। जैसे हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा रिले परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने देखा था 10 नंबर और जो 13 नंबर है उसे हमें रिले के एनो के द्वारा शॉर्ट करना है। तो 10 नंबर से 24 वोल्ट जो सप्लाई आएगी वो 8 के साथ 6 एनो है और ये NC है, तो हमें 6 पॉइंट नंबर को यूज करना है। तो 6 में यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो 5 से निकलती हुई ये हमारा स्टार्ट स्टॉप को मिल जाएगी। दैट मीन जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो ये जो हमारे रन कमांड के जो वायर है यह शॉर्ट हो जाएगा डिजिटल इनपुट के, और ये हमें जो ड्राइव है वो रन करेगी। जैसे हम इसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और 11 और 12 नंबर को हमें शॉर्ट करना होगा। तो ये तो जस्ट टू वायर सिस्टम के लिए यदि हम रिले के द्वारा ऑन ऑफ करते हैं। यदि हम रिले के द्वारा ना करें और सिलेक्टर स्विच से इसे ऑन ऑफ करें, तो सिलेक्टर स्विच से करने के लिए हमें क्या करना होगा यह भी हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। तो चलिए, यदि हम सिलेक्टर स्विच लगाकर इसे स्टार्ट स्टॉप और रिवर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं तो किस तरह वायरिंग होगी यह समझ लेंगे। इसके लिए भी ये जो वायरिंग होगी ये टू वायर में ही होगी। 11 और 12 को हमें जस्ट जिस तरह शॉर्ट करते हैं उसी तरह शॉर्ट करेंगे। ये हमने सिंगल वे सिलेक्टर स्विच बनाया है, इसके पीछे एनो कनेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, जो 24 नंबर जो 24 वोल्ट होता है 10 नंबर से, उसे हम क्या करेंगे, ले जाएंगे हमारा सिलेक्टर स्विच के यहाँ एनो में कनेक्ट करेंगे, और यहीं से यदि हम सिर्फ स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। स्टार्ट स्टॉप के लिए हम करना चाहते हैं तो यहाँ से एनो से निकाल के 13 नंबर में दे देंगे, तो हमारी जो ड्राइव है यदि हम इसे ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव ऑन होगी, इसे ऑफ करेंगे तो ऑफ होगी। बट यदि हम इसके साथ रिवर्स फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं, दैट मीन्स हम मोटर का डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यही सप्लाई को उठा के हमें एक और जो दूसरा सिलेक्टर स्विच है यहाँ पर लेना होगी। इसके एनो से निकालते हुए जो हमारे जो 14 नंबर का जो पॉइंट होता है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा 14 नंबर में। यहाँ पर इसकी वायरिंग दी गई है जस्ट इसी तरह, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जो 14 नंबर का पॉइंट है वह रिवर्स फॉरवर्ड के लिए यूज है, जो 13 नंबर है वह स्टार्ट स्टॉप के लिए है।
तो इस तरह आप ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप और रिवर्स फॉरवर्ड दोनों सिलेक्टर स्विच से कर सकते हैं। ये सिंगल वे सिलेक्टर स्विच हमने यूज किया है। इसके लिए जो पैरामीटर, यदि हम इस तरह की वायरिंग करते हैं, दो तरह में से कोई भी वायरिंग करते हैं, तो इसके लिए जो पैरामीटर सेट करना होगा वो हमें सेट करना होगा 9902 का जो पैरामीटर होता है उसमें 1 सेट करना होगा। यदि हम 1 सेट करते हैं तो इस तरह की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। चलिए, यदि हम 3 वायर सिस्टम की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, जो 9902 का पैरामीटर है उसमें हमें 2 सेट करना होगा 3 वायर प्रोग्रामिंग के लिए। यदि हम 2 सेट करते हैं उसके जो टर्मिनल है वह जो डिजिटल इनपुट के टर्मिनल से वह चेंज हो जाएंगे। इसमें 13 नंबर स्टार्ट के लिए हो जाएगा, 14 नंबर स्टॉप के लिए हो जाएगा। यदि हमें डायरेक्ट ड्राइव के स्पीड को चेंज करना है, फॉरवर्ड रिवर्स करना है, तो 15 नंबर पॉइंट को यूज करना होगा। तो इसके लिए तो हमें 2 स्विच, पुश बटन स्विच यूज हो जाएंगे, और जो 15 के लिए यूज होगा फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, इसके लिए हमें सिलेक्टर स्विच यूज करना होगा। इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी, चलिए ड्रॉइंग में हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक ड्रॉइंग है जो इसमें, इसके लिए हमें क्या करना सेट होगा, 9902 का जो पैरामीटर होता है उसमें हमें यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना होगा। 2 सिलेक्ट करने के बाद आपकी 3 वायर प्रोग्रामिंग होगी। तो जस्ट हमें 11 और 12 को तो जिस तरह शॉर्ट कर रहे हैं, जिस तरह करते हैं, 10 नंबर का जो सप्लाई आएगी 24 वोल्ट, यह जाएगी हमारे स्टार्ट पुश बटन में। यदि हमें से जस्ट स्टार्ट करना है तो यहां से होती हुई 13 नंबर पॉइंट में हम दे देंगे तो स्टार्ट के लिए प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और यहीं से यदि हम इसे उठाकर करते हैं, स्टॉप के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जिस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे ड्राइवर ने स्टॉप होना चाहिए, तो उसके लिए हम स्टॉप के लिए 14 नंबर में दे देंगे। और यदि हमें इसे रिवर्स फॉरवर्ड भी करना है, यदि हमें स्टार्ट स्टॉप करना है तो इसी तरह हम कर सकते हैं। यदि हमें इसे रिवर्स फॉरवर्ड भी करना है तो यहीं से हम सप्लाई उठाएंगे, और जो हमारा सिलेक्टर स्विच है, सिंगल वे सिलेक्टर स्विच यह वाला, इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका एनओ से सप्लाई आती है उसे ले जाकर हम 15 नंबर का जो टर्मिनल है वहां पर कनेक्ट कर देंगे। जब हमारा सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा तो फॉरवर्ड में रन करेगी, और जब ऑफ होगा तो मोटर हमारी रिवर्स में रन करेगी। बट इसके लिए हमें जो पैरामीटर सेट करना होगा, 9902 में जाके 2 सेट करना होगा। तो ये हमारी 3 वायर की प्रोग्रामिंग हुई, और पोटेंशियोमीटर की वायरिंग तो सभी केसेस में सेम रहेगी। तो चलिए, ये हमारी 2 वायर की प्रोग्रामिंग हुई, 3 वायर की प्रोग्रामिंग हुई। बट यदि हम चाहते हैं कि हम एक सिलेक्टर स्विच लगाए, जैसे ही हम उसे ऑन करें तो हमारी ड्राइव जो है वो फॉरवर्ड में रन करे और स्टार्ट हो जाए, और दूसरा सिलेक्टर स्विच यदि हम उसे ऑन करें तो हमारी जो ड्राइव है वह रिवर्स में स्टार्ट हो। दैट मींस हम एक सिलेक्टर स्विच लगा, यदि जिसे हमने इसे ऑन किया तो हमारी ड्राइव ने फॉरवर्ड में रन करना चाहिए, इसे ऑफ कर दिया तो हमारी ड्राइव ऑफ हो जाएगी। यदि हमें इसी तरह रिवर्स में करना है तो हम एक और सिलेक्टर स्विच लेंगे, यदि हम इसे ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव रिवर्स में रन करेगी, और इसे ऑफ कर देगी तो हमारी ड्राइव रिवर्स में ऑफ हो जाएगी। दैट मींस यदि एक ही सिलेक्टर स्विच से हमारे डायरेक्शन चेंज करना है, ऑन ऑफ भी हो प्लस डायरेक्शन चेंज हो, तो इसके लिए किस तरह कंट्रोलिंग होगी यह समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो पैरामीटर सेट करना होगा वो हमें सेट करना होगा 9902 में जाकर 3 सेट करना होगा, जो कि अल्टरनेट प्रोग्राम है। तो इसके लिए पोटेंशियोमीटर तो सेम रहेगा, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10 नंबर पॉइंट है, सबसे पहले जो 13 नंबर जो है स्टार्ट फॉरवर्ड टर्मिनल हो जाएगा यदि आप उसमें जाकर 3 करते हैं, तो 14 नंबर स्टार्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी मोटर इसमें रिवर्स में स्टार्ट होगी। और चलिए, इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी कंट्रोलिंग किस तरह होगी ये हम समझ लेते हैं। तो चलिए, यदि हम एक सिलेक्टर स्विच से स्टार्ट फॉरवर्ड और दूसरे स्विच से स्टार्ट रिवर्स करना चाहते हैं, डायरेक्शन सिलेक्टर स्विच से चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर तो सभी केसेस में सेम रहेगा, तो हमें क्या 11 और 12 यहाँ पे जो है शॉर्ट करना है, 13 नंबर जो टर्मिनल है वो स्टार्ट फॉरवर्ड होगा, 14 नंबर स्टार्ट रिवर्स होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 10 नंबर पॉइंट है 24 वोल्ट डीसी, उसे हमें एक सिलेक्टर स्विच के एनओ में कनेक्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ से निकालते हुए हमें जो है 13 नंबर में से कनेक्ट कर देना है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो हमारी जो ड्राइव है वह फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगी। अब यदि हमें इसे रिवर्स में भी स्टार्ट करना है तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक और सप्लाई लूपिंग लेंगे हम, जो कि दूसरा सिलेक्टर स्विच है इसमें, इसके एनओ में करेंगे, और इसके एनओ से होता हुआ हमारा जो ड्राइव का 14 नंबर टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी, जब जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव जो है वह रिवर्स में ऑन होगी सिलेक्टर स्विच से। तो इस तरह आप ड्राइव को स्टार्ट फॉरवर्ड स्टार्ट रिवर्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको पैरामीटर जो सेट करना होगा वो सेट करना होगा 9902 जो पैरामीटर है उसमें जाकर आपको 3 सेट करना होगा, तो इस तरह की कंट्रोलिंग आपकी
VFD में हो जाएगी। तो ये हमने कुछ VFD के बेसिक कनेक्शन देखे, और भी कई तरह के कनेक्शन होते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इतने ही कनेक्शन यूज किए जाते हैं। सो इस तरह आप एबीबी की ड्राइव में कहीं पर भी किसी भी तरह का कनेक्शन कर सकते हैं, जस्ट आपको इसमें पैरामीटर सेट करना होता है। आगे चल के इसमें मैं कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स डालना होते हैं, किस तरह इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।